हर हर महादेव जी। दोस्तों आज ये वीडियो रहने वाली है केदारनाथ धाम से। मैं आया हूँ केदारनाथ धाम की क्लोजिंग सेरेमनी में और यही पूरा मतलब मैं कैप्चर कर रहा हूँ सब कुछ, और बाबा के दर्शन भी कर रहे हैं। आप सब भी कर लीजिए पहले दर्शन, उसके बाद मतलब बात करेंगे। तो गाइज रात के बज रहे हैं 12 और आज तारीख हो गई है 3 नवंबर। हाँ 12 बजने में अभी सिर्फ 9 मिनट्स हैं और तारीख हो जाएगी 3, जो कि आज ही बाबा की 2024 की क्लोजिंग सेरेमनी है और उसी में हम शामिल हुए हैं। आप भी इस वीडियो के माध्यम से पूरी सेरेमनी देखेंगे, पूरा सब कुछ देखेंगे। फिलहाल अभी अपन जा रहे हैं बाबा जी के दर्शन करने। दर्शन ओपन हुए हैं 10 से लेकर 2 बजे तक के, तो हम क्या कर रहे हैं ना गाइज, अभी 12 बजे हैं, अप्रोक्सीमेट 12:30 के समथिंग चलेंगे। थोड़ा सा भीड़ और रश जो है ना, अभी जो है ना लाइन वहाँ तक लगी हुई है, तो थोड़ा सा रश जो है ना कम हो जाएगा, फिर हम चलेंगे। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ भाई गाइज, मैं रुका था इस होटल में और इस होटल को कर दिया पूरा क्लोज, ये रहा, क्योंकि आज के बाद यहाँ मतलब हाँ 3 तारीख की दोपहर के बाद यहाँ कोई पूरे केदारनाथ धाम में ही नहीं रहने वाला है। तो हमें क्या किया भाई ने, हमारा टेंट था, हमें यहाँ जगह दे दी और मैं और मनिंदर ये रहे मनिंदर सर अभी सो के उठे ना रात का मतलब टेंट, हम यहीं सोए थे रात का, मतलब अभी 2 घंटे ही रेस्ट किया है। तो 2 आदमी इसमें मैं और मनिंदर हर बार जब भी ट्रिप पर जाते हैं इसे लेके ही जाते हैं कि कहीं इमरजेंसी पड़ जाए या कहीं रूम ना मिले या मतलब एक्स वाई जेड कोई भी इशू हो तो हम अपना कहीं भी शेड में लगाएं और अपना स्टे करें। तो भाई बहुत ही सुकून मिल रहा है यहाँ से और सच में ही स्वर्ग है यार, देख रहे हो आप सभी। मतलब मैं कितनी बार आ चुका हूँ पर वो भी मैं कह रहा हूँ ना, हर साल भी अगर मैं 2 बार भी आ जाऊँ ना तो वो भी कम है। इस साल मैं 2 बार आया हूँ, ओपनिंग में आया और क्लोजिंग में, देखो मेरा कितना सौभाग्य है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग दोनों। जय श्री केदार। सो गाइज चलेंगे और चल के नीचे की पूरी व्यवस्था बताते हैं क्या क्या कैसे है सब कुछ, और क्रैकर्स भी लेके आए हैं हम क्योंकि दिवाली थी परसों तो आज मनाएंगे। दर्शन करिए हैं, हमारे टेंट में ही रखे हुए हैं क्रैकर्स, ये रे साइड में आपको दिखा देता हूँ, इधर रखे हुए हैं। बाकी आप वीडियो पर तो लास्ट तक बने ही रहना, पूरी वीडियो एंजॉय करना, वीडियो को देखना कैसे है, और क्लोजिंग सेरेमनी का मैं सोच रहा हूँ ना अलग से व्लॉग बनाऊँ, मतलब देखते हैं क्या रहता है। फिलहाल अभी आप इसी व्लॉग को एंजॉय कीजिए, मजा लीजिए केदारनाथ से, हर हर महादेव। मनिंदर भाई गाइस पूरी झाई में है, 3 घंटे सोए हैं ये, पूरी व्यवस्था मैं देख रहा था मतलब सब कुछ के हाँ लाइन कैसी है क्या है। फिलहाल चलो बाहर चल के बात करते हैं, और अंधेरा लाइट जलाओ भाई। पूरे होटल में ना हम दोनों भाई अकेले रह रहे हैं यहाँ, देख रहे हो ना, कर देते हैं लॉक और चलते हैं। देखो ये रहे हमारे समीप हमारे महादेव, जय भोलेनाथ। अब भाई पहले तो ले लेते हैं प्रसाद, अभी तक देखो प्रसाद भी लगा हुआ है क्योंकि सबको पता है ना बार मतलब 10 से 2 बजे तक के दर्शन है, और एक बार ना देख ही आते हैं कि क्या माहौल रहने वाला है पूरा। लोग देखो हाथ सेक रहे हैं चारों तरफ, कोई फोटो खिंचा रहा है गाइस। अभी हमारी भी बारी आने वाली है 5-10 मिनट में दर्शन करने के बाद, फिर देखना आप वीडियो में क्या मजा आएगा। हो गया मनिंदर, तो गाइस अभी तो हम जल लेने जा रहे हैं और ये है देखो मतलब यहाँ एग्जिट गेट केदारनाथ, तो यहीं से हम दर्शन करके निकलेंगे और सभी भी यहीं से निकलते हैं। तो फिलहाल अभी अपन ले लेते हैं जल जो अंदर शिवलिंग पे चढ़ाना है। सो गाइस केदारनाथ जी का जो शिवलिंग है अंदर उसके लिए जल ले लिया है, और जल को मतलब
इस दर्शन करने का क्यू का फॉर्मूला है ना, वो एक जिग जैक वाला बना रखा है ताकि भीड़ को ना कंट्रोल किया जा सके। तो अब हमें घूम के चार चक्कर यूं यूं सांप सीढ़ी की तरह मंदिर में जाना होगा। पूरा जिगजैग घूमने के बाद देखो ये लोग भी है कुछ जो जिगजैग नहीं घूमना चाहते, सीधा शॉर्टकट मार के दर्शन करना चाहते हैं। बोले तो पार्वती पता हरे हरे महादेव। हर महादेव, हर 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 हर महादेव। आ जाओ, वो भी तो है। गाइस फाइनली भगवान जी के केदारनाथ जी के शिवलिंग के दर्शन हो गए हैं। स्पर्श एकदम भगवान के बिल्कुल समीप हुआ और सब कुछ एकदम बढ़िया। यहाँ से हमने एग्जिट भी ले लिया एंड ना गाइस अंदर का जो मतलब अंदर जाके ना एकदम थम से जाते हैं यार पूरा, मतलब ऐसा लगता है ना पता नहीं क्या है, प्रॉपर शिवलिंग है जैसे कहानी, मतलब कहानी का जो पुरोहित कहानी चलती आ रही है पीछे से कि वो शिव जी के बैल के रूप में है, तो वही है सब कुछ सेम। और काफ़ी मतलब अद्भुत है यार, मतलब भगवान के एकदम स्पर्श ऐसे हाथ से माथा टेक के सब कुछ करना लिटरली यार बहुत मतलब नशीब वालों को ही होता है ये। अभी फ़िलहाल हम चल रहे हैं मंदिर के बैक साइड में, बैक साइड में है एक अमृत कुंड, उसमें बाबा को जो जल समर्पित होता है उसका वो अमृत कुंड के नाम से वहीं जल आता है, तो उसी जल को अभी हम कलेक्ट करते हैं अपनी छोटी सी कैन में और फिर घर बताते हैं। आया भाई बहुत गहरा ही है, खैर नहीं है गहरा नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं आ रहा बाद में आ जाना, लाइट मारने से टॉर्च मारने से हाथ डालने से जल थोड़ी पड़ेगा, धीरे धीरे बहुत ठीक है, सुबह आते हैं बाद में आना। चलो अमृत कुंड की मैं बात कर रहा था ना, उसमें अभी जल नहीं है क्योंकि लोग शायद रात में ले गए होंगे, तो सुबह जो इस मतलब स्नान होगा या जो जल अमर समर्पित होगा वो जल जब आएगा जब हम उसको कलेक्ट करेंगे और अपनी कैन में लेके घर लेके जाएंगे, तो एक तरह से अमृत ही है यार, जो शिवलिंग पर टच होके आ रहा है वो अमृत से कम भी नहीं है। भाई आ गए हम अपने टेंट पे और मुनिंदर भाई कर रहे हैं अंदर सॉक्सों को चेंज, क्या हाल चाल, बस अब चलते हैं और टाइम हो गया है गाइस 12:48, तो अब चलते हैं, अपना टाइम हो गया 1:00 क्रैकर्स फोड़ने का, यानी कि अब बनेगी अपनी दिवाली केदारनाथ वाली, तो वीडियो लास्ट तक देखें अब आएगा फुल एंजॉय। अब तक तो लोगों ने चला लिए अपने धमाके जो चलाने थे, अब आइए जी हमारी बारी। जो कैंडल होती है ना जो जाती हैं ऊपर वो तो लेके आ गया हूँ मैं, अभी हमारे पास 4 पीस हैं, देखते हैं कितने चलते हैं कितने नहीं, तो यहीं मंदिर के आ गए मंदिर प्रांगण में, अभी चलाएंगे मुनिंदर भाई और मैं। सो गाइज मुनिंदर भाई कपूर में अग्नि देते हुए, थोड़ी देर में जलेगा, एकदम नहीं जलेगा वो, सो गाइज प्रिपेयर हो रहा है पूरा, ये अभी थोड़े से में ही आग लगी है, इसमें पूरे में लगेगी है, कैमरा इसी में लटका देंगे है ना, ड्रोन का काम करेगा आज ना, मतलब यहाँ का मिशन फेल हो गया, तो मुनिंदर डॉन कह रहे हैं कि भीमशिला के पास चलते हैं वहाँ ऑक्सीजन लेवल ज्यादा है, तो चल के वहाँ इनकी भी मान लेते हैं। तो अपने पास पीस तो गाइस 4 थे, 3 रह गए, तीनों का ट्राई करते हैं, एक ट्राई करते हैं भीमशिला पे, फिर देखते हैं 2 का क्या होता है।
तो सस्पेंस ही रह जाएगा कि मतलब चारों में से कोई सा भी मतलब मिशन सक्सेसफुल होगा या नहीं। मुनिंदर कोई सा होगा चारों में से या नहीं? हाँ तीनों होंगे। अच्छा जी, चलो भाई मुनिंदर का कॉन्फिडेंस है तो शायद हो ही जाएंगे। सेकंड भी गया। एक छोड़ना थर्ड। हाँ मुनिंदर ये जाएगा। देख पूरा खुल गया ना, ये हमारे खुले ही नहीं थे अब तक दोनों। कपूर को कपूर से मिला दो ना। हाँ ये भी सही कह रहे हो। हाँ जाएगा पर अभी जा नहीं रहा। छोड़ दो। नहीं नहीं, नहीं। So guys, मिशन हो गया फेल। जो कह रहे थे ना तीनों चलेंगे, तीनों के तीनों भाई ऐसे ही है। तीसरा हमने ट्राई नहीं किया, दो बेकार निकल गए। तो अपने और क्रैकर्स की तरफ चलते हैं। और ये है गाइस देखो भीमसला। गुड मॉर्निंग गाइस। रात को मतलब मैं क्रैकर्स छोड़ने थे, बट यहाँ के प्रशासन ने, मैंने बस एक ही स्काई शॉट छोड़ा था तो मना कर दिया कि नहीं बिल्कुल नहीं, आपको छोड़ने थे तो 9-10 बजे तक छोड़ते, अब रात को 1 बजे क्या मतलब क्या दर्शाना चाहते हैं। मैंने बोला जी दर्शन ही अभी हुए हैं और ये वो, मतलब वो लोग नहीं माने तो हमारे सारे क्रैकर्स ही वहीं रखे रहे हैं, वापस ले जाने पड़ेंगे सब। और 16 के बज गए हैं भैया 7, 8:30 बजे निकलेगी डोली। और देखो आप मंदिर के जो है ना, देखो द्वार को ना सील किया जा रहा है। रुक जा, फिलहाल रंग ले, चल फेंक दे। अभी इसमें आग ही नहीं लगी है यार। लग रही हो इनके को भगेगा। मतलब ऊपर मंदिर मैंने छोड़ने दिया तो फिर रॉकेट है हमारे पास, स्काई शॉट तो नहीं, तो इन्हें ही यहीं महेंद्र भाई देखो ये लगा रहे यहाँ ना, लाइटर चलते हैं उस तरफ चलते हैं। उसने भाई ने रॉकेट वो लगा दिया लॉन्चर। महेंद्र रहने दे, बाल लगा रहे होंगे सू भाई, लगा ना सही जा रहा है, अब सही नहीं जा रहा है। बीड़ी लगा दे इसमें, छुर अपना आप हो जाएगी। हाँ लगा दे और फूंक मार देख। हो गया ले, सबसे बढ़िया जुगाड़ है ये, यही नहीं रहेगा, डंडा ही रह जाएगा, वो रॉकेट चला जाएगा ऊपर। फंसा हो गई रुजा, पहले चिंगारी से उठने दे। हाँ हो गई, हो गई महेंद्र फेंक। अरे देख कैसे फेंका पागल ने, धक्का दे दी जैसी जाब है। हेलीकॉप्टर तक टच होना चाहिए गाइस। हाँ ऐसे मार रही ना फेंक के, फूक मार दिया बीड़ी के साथ। बीड़ी का कॉन्सर्ट बढ़िया हो गया। भाई लास्ट रॉकेट है। ये गया बढ़िया भाई, ये गया। चलो जी अब हो गए खत्म, कर रहा था तो और बढ़िया लगता।